हेलो एवरीवन, प्रीलिम्स 2020 को टारगेट करते हुए एग्ज़ाम के आपके करंट अफेयर की प्रिपरेशन को सिंपल करने के पॉइंट ऑफ व्यू से और एग्ज़ाम में हिट रेशियो को इंक्रीज़ करने के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टार्ट की हुई इस वीडियो डिस्कशन सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है आइकॉनिक टूरिस्ट साइट्स। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कुछ टाइम पहले 17 आइकॉनिक टूरिस्ट साइट को सेलेक्ट किया गया था, लेकिन इस बार के बजट में 5 साइट्स को और इंक्लूड किया गया है और अभी 22 आइकॉनिक टूरिस्ट साइट को सेलेक्ट किया गया है और इनको डेवलप किया जाएगा एज ए वर्ल्ड क्लास टूरिस्ट डेस्टिनेशन। ये जो प्रोजेक्ट है वो मिनिस्ट्री ऑफ जो टूरिज्म है वो उसकी नोडल मिनिस्ट्री है, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी साइट्स है। ताजमहल एंड फतेहपुर सिकरी यूपी के अंदर, अजंता एंड एलोरा महाराष्ट्र, हुमायूं टॉम, रेड फोर्ट एंड कुतुब मीनार दिल्ली, कोलवा बीच गोवा, आमेर फोर्ट राजस्थान, सोमनाथ एंड धोलावीरा गुजरात, इसके अलावा खजुराहो मध्य प्रदेश, हम्पी कर्नाटका, महाबलीपुरम तमिलनाडु, काजीरंगा असम, कुमराउन केरला, महाबोधि टेंपल बिहार। ये सारी जो 17 साइट्स है इनको पहले डिक्लेयर किया गया था, 5 साइट्स और है वो मैं आपको आगे के टॉपिक में बताऊंगा। तो ये एक बार आपने ये सारी साइट्स देखी हुई होगी तो एग्ज़ाम में जैसे ही ऑप्शंस आएंगे आप उसको एलिमिनेट कर पाएंगे। अब ऐसा करने के पीछे रीज़न ये रहा कि रिसेंटली जो टूरिज्म सेक्टर है उसके अंदर स्लो डाउन देखा गया और जो होटल एंड टूरिज्म सेक्टर है उसके अंदर FDI के अंदर भी डिक्लिनेशन देखा गया। और जो अडॉप्ट अ हेरिटेज स्कीम, इस स्कीम के अंदर क्या होता है, इस स्कीम को स्टार्ट किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा, इसको लॉन्च किया गया था 27 सितंबर बेसिकली वर्ल्ड टूरिज्म डे की फॉर्म में मनाया जाता है, तो 27 सितंबर 2017 में इस स्कीम को लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा। इसके अंदर क्या है कि जो हेरिटेज साइट्स है उन हेरिटेज साइट्स को जो पब्लिक सेक्टर कंपनीज़ प्राइवेट कंपनीज़ उनको सेलेक्ट करेंगे और वो क्या करेंगे, जो CSR फंड होता है CSR फंड की जो मनी से उनको डेवलप किया जाएगा और वहाँ की हेरिटेज को कंजर्व करने में भी हेल्प मिलेगी और उसको जब टूरिज्म साइट की तरह उसको डेवलप करेंगे तो टूरिज्म जो इंडस्ट्री है उसको भी बूस्ट मिलेगा। अब इसके अंदर मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के अलावा मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया उसकी भी हेल्प ली जाएगी इसको डेवलप करने के लिए। और जो कंपनी पर्टिकुलर साइट को डेवलप करेंगे तो उन कंपनीज़ को नाम दिया गया है मॉन्यूमेंट मित्रा, याद रखना आपको छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहूँ जो यात्रा ऑनलाइन है, यात्रा ऑनलाइन के द्वारा जो हम्पी जो साइट्स है उसको सेलेक्ट किया गया है एज ए अडॉप्ट हेरिटेज स्कीम के अंदर। ऐसे बहुत सारे लिस्ट है पूरी, वो उसमें आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता होना चाहिए कि अडॉप्ट अ हेरिटेज स्कीम है क्या। तो उसके अंदर भी अभी डिक्लाइन देखा गया, तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया है आइकॉनिक टूरिस्ट साइट। और दूसरा एम है इसके पीछे इंडिया की जो सॉफ्ट पावर है उसको इंक्रीज़ करना। नेक्स्ट टॉपिक है अभी जैसा कि राखी घरी एज आइकॉनिक साइट्स, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया बजट 2021 के अंदर 5 साइट्स को और डिक्लेयर किया गया है, उसमें से राखी गढ़ी जो कि हिसार डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा के अंदर है उस वो भी एक साइट है। इसके अलावा है हस्तिनापुर यूपी, शिवसागर असम, धोलावीरा गुजरात एंड अदिचलनारूर इन तमिलनाडु, ये 5 साइट्स को और इसमें इंक्लूड किया गया है। तो अभी टोटल कितनी हो जाएगी आइकॉनिक साइट्स की तरह जो डेवलप करना है वो हो जाएगी 22। तो आज हम देख लेते हैं राखी घरी के बारे में। राखी घरी काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको देखने से पहले इसके लोकेशन को देख लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो साइट्स हैं उनकी लोकेशन है, ये आपका मोहनजोदारो है, यहाँ पर आपका हड़प्पा है, इसके अलावा ये आपका कालीबंगा राजस्थान के अंदर, आपका ये लोथल है, ये धोलावीरा, ये दोनों गुजरात के अंदर है और ये राखी घरी जो साइट है वो आपका हरियाणा के अंदर है। तो ये मैप आपको पता होना चाहिए लोकेशन कहाँ पे है, लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, आपको अरेंज करवा सकते हैं नॉर्थ टू साउथ ईस्ट टू वेस्ट। राखी घरी के बारे में बात करें तो ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर लार्जेस्ट हरप्पन साइट है और अदर जो हरप्पन साइट्स है वो आपकी हरप्पा, मोहनजोदारो एंड गनवेरीवाल, ये कहाँ पे है, पाकिस्तान के अंदर है तीनों साइट्स, एंड धोलावुरा जो है वो गुजरात के अंदर है। ये अदर लार्जर साइट्स है राखी घरी के अलावा। राखी घरी का जो एक्सक्यूवेशन किया गया वो किया गया अमरेंद्र नाथ के द्वारा जो कि आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से बिलोंग करते थे। सेटलमेंट्स की बात करें तो राखी घरी के वहाँ पर सेटलमेंट देखा गया मैच्योर हरप्पन फेज, जहाँ पे मड ब्रिक्स को भी यूज़ किया गया है और बर्न्ड ब्रिक को भी यूज़ किया गया है और प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम था और प्रॉपर जो टाउन की प्लानिंग यहाँ पे देखी गई है। इसके अलावा अदर इन्फॉर्मेशन क्या मिली है, यहाँ पे सेमी प्रेसियस स्टोन्स को यूज़ किया गया है, कॉपर ऑब्जेक्ट्स भी यूज़ हुए, टॉय कार्ट फ्रेम एंड व्हील ऑफ टेराकोटा,
बोन पॉइंट्स, इंस्क्राइब्ड स्टेटाइट सील्स एंड सीलिंग्स, ये छोटी छोटी बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। और एनिमल सेक्रीफिशियल पिट भी यहाँ पे देखा गया है। अभी एक रिसेंटली एक स्टडी हुई थी, बेसिकली रिसेंट स्टडी के अंदर ये पाया गया कि जो हड़प्पन जो साइट्स है, हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो ओरिजिन है वो एक इंडिपेंडेंट ओरिजिन है। पहले ये माना जाता था कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो ओरिजिन है वो बिलोंग करता है जो ईरान के अंदर जो फार्मर्स हैं उनकी एंसेस्ट्री मानी जाती है, उनके वंशज वो माने जाते हैं। मीन्स जो ईरान के अंदर फार्मर्स है वो इनके पूर्वज माने जाते हैं। तो इसे अभी की जो स्टडी है डीएनए की स्टडी के उसमें ये पाया गया कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन वो इंडिपेंडेंट ओरिजिन उनका माना जाता है। हड़प्पन सिविलाइजेशन की बात करें तो इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन भी बोला जाता है और ये फ्लरिस्ट हुई अराउंड 200-2500 BC के टाइम पे वेस्टर्न पार्ट ऑफ साउथ एशिया इन कंटेम्प्रेरी पाकिस्तान एंड वेस्टर्न इंडिया। इससे ये रिलेटेड प्रीवियस ईयर्स में भी क्वेश्चन पूछा गया है। छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन भी आपको पता रहेगी तो ऑप्शंस को एलिमिनेट करने में आपको हेल्प मिलेगी। इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है उस टाइम की जो एंशियंट अर्बन सिविलाइजेशन थी आपकी इजिप्ट, मेसोपोटामिया, इंडिया और चाइना, उसके अंदर सबसे लार्जेस्ट इस सिविलाइजेशन को माना जाता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पोम्पुहर पोर्ट। पोम्पुहर पोर्ट न्यूज़ में इसलिए है, पहले इसकी लोकेशन को देख लेते हैं। यहाँ पे आपका बे ऑफ बंगाल है, ये आपका चेन्नई है, यहाँ पे पुदुचेरी है और यहाँ ये लोकेशन पुदुचेरी है और पोम्पुहर पोर्ट की लोकेशन ये है, मतलब कहाँ पर है ये, तमिलनाडु के अंदर है। अब ये न्यूज़ में क्यों है, ये न्यूज़ में इसलिए है बिकॉज डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट का नाम है प्रोजेक्ट डिजिटल पोम्पुहर। इसके अंदर क्या है कि इस पोर्ट को डिजिटली उसको प्रोजेक्ट किया जाएगा, उसको डिजिटली डेवलप किया जाएगा। ये पोर्ट जो है वो बिलोंग करता है चोला डायनेस्टी के टाइम पे, इसे बिलोंग करता है जो कि तमिलनाडु के अंदर, चोला डायनेस्टी के बारे में भी अभी हम आगे पढ़ेंगे। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करें तो इनका जो इनिशिएटिव है इंडियन डिजिटल हेरिटेज प्रोजेक्ट, इसके अंदर क्या है कि जो हेरिटेज साइट्स है उनको डिजिटली, उनको पूरा आर्ट कैसा था, आर्किटेक्चर कैसा था, वहाँ पे किस टाइप के बिल्डिंग्स वगैरह थे, उनको डिजिटली डेवलप किया जाएगा। जिससे क्या होगा कि लोगों के बीच में अवेयरनेस भी इंक्रीज़ होगी और जो आपकी हेरिटेज साइट्स है उनको कंजर्व करने में भी हेल्प मिलेगी। तो इसके अंदर, इस प्रोजेक्ट के अंदर जो सबसे पहला प्रोजेक्ट लिया गया वो था डिजिटल हम्पी। ये जो करंटली इस डिजिटल हम्पी जो है इसको नेशनल म्यूजियम के अंदर दिखाया जाता है। और दूसरा जो प्रोजेक्ट है वो है प्रोजेक्ट डिजिटल पोम्पुहर। अब हिस्ट्री की बात करें तो जो पोम्पुहर पोर्ट है वो उसका मेंशन जो संगम तमिल लिटरेचर है उसके अंदर भी इसका मेंशन मिला है। और इसकी जो लोकेशन है वो बेसिकली वाटर लेवल इंक्रीज होने की वजह से शिफ्ट हो रही थी, तो ये रीइस्टेब्लिश हुआ प्रेजेंट लोकेशन पे एट द माउथ ऑफ कावेरी रिवर अराउंड 3000 years ago। प्रोजेक्ट डिजिटल पोम्पुहर की बात करें तो इसके अंदर क्या होगा, द प्रोजेक्ट इन्वॉल्व्स अंडर वाटर सर्वेस, फोटोग्राफ्स बाय रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल्स एंड रिमोट सेंसिंग बेस्ड जियोडायनामिक्स स्टडीज टू ब्रिंग आउट कॉम्प्रिहेंसिव इंफॉर्मेशन ऑन द टाइम सीरीज इवोल्यूशन एंड एक्सटेंशन। बेसिकली डिफरेंट टाइप के सर्वेस करके जो उनका किस टाइप का इवोल्यूशन हुआ उस पर्टिकुलर पोर्ट के बारे में, वो सारी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाएगा। अब इस प्रोजेक्ट का नाम है इंडियन डिजिटल हेरिटेज इनिशिएटिव। ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो कि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर एक डिपार्टमेंट है उसका इनिशिएटिव है। सबसे पहले तो आपको ये रखना है, इसमें क्या किया जाएगा, डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन एंड इंटरप्रिटेशन किया जाएगा। इंडिया की जो टेंजिबल एंड इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज है दोनों को कवर किया जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ टेंजिबल एंड इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज दोनों को कवर किया जाएगा। फर्स्ट फेज के अंदर जैसा कि मैंने अभी आपको बताया जो हम्पी साइट्स है उसका डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन ऑलरेडी उन्होंने कर दिया है और अभी किसको लिया है, डिजिटल पोम्पुहर। चोलास के बारे में बात करें तो चोला जो उनका जो मेन रीजन था सेंट्रल एंड नदर्न पार्ट ऑफ तमिलनाडु और कोर एरिया जो था वो था कावेरी डेल्टा, बाद में उसको बोला जाने लगा चोला मंडलम। और उनकी जो कैपिटल थी ये बाय मिसप्रिंट हो गया, ये उदयपुर नहीं है, उरेयूर, URAIYUR, उरेयूर उनकी कैपिटल थी। उदयपुर तो एक सिटी है जो कि राजस्थान के अंदर है, ये बाय मिसप्रिंट हो गया। तो उरेयूर जो है वो चोला की जो कैपिटल थी और पुहर और कावेरीपट्टनम वॉज एन अल्टरनेटिव रॉयल रेजिडेंस एंड चीफ पोर्ट टाउन। टाइगर जो है वो इनका एम्बलम था
और इनके एफिशिएंट नेवी इनका एक बहुत ही अच्छा मतलब फीचर्स था, नेवी को उन्होंने बहुत ही एफिशिएंटली मैनेज करके रखा था। और किंग करिकाला जो संगम चोलास के टाइम पे काफ़ी फेमस थे, और बैटल ऑफ वेनी जो लड़ी गई वो किंग करिकाला और जिन्होंने चेरा और पांड्यास की जो जो कंबाइंड आर्मी थी उनको इन्होंने हराया था। और उन्होंने फाउंड किया था, फाउंडेशन किया था, स्थापना की थी इस पोर्ट ऑफ पुहर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, किंग करिकाला के द्वारा। और उन्होंने 160 किलोमीटर एम्बैंकमेंट को भी फॉर्म किया अलोंग द कृष्णा कावेरी रिवर। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए, लोकेशन अभी हमने देख लिया है। नेक्स्ट टॉपिक है बांदीपुर टाइगर रिजर्व। सबसे पहले लोकेशन को देख लेते हैं। बांदीपुर टाइगर रिजर्व आपका ये रहा, यहाँ पे इसके पास में नागरहोल टाइगर रिजर्व, यहाँ पे काबिनी रिवर फ्लो होती है, काबिनी रिजर्वायर है। ये वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इधर मुद्दुमलाई टाइगर रिजर्व है, ये सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व है। ये लोकेशन आपको पता होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट लोकेशंस है, और प्रीलिम्स 2019 पे भी एक क्वेश्चन इससे पूछा गया था। तो अभी ये न्यूज़ में इसलिए है बिकॉज जो बांदीपुर टाइगर रिजर्व जो कि कर्नाटका के अंदर है, वहाँ पे जो आपके वाटर होल्स है, वाटर होल्स में इस बार जो मानसून अच्छा होने की वजह से और अनसीजनल रेन्स की वजह से जो वाटर होल्स है वहाँ पे 85% के आसपास जो वाटर होल्स है उसके अंदर पानी अवेलेबल है। वाटर होल्स बेसिकली एक टाइप का डिप्रेशन होता है जहाँ पे वाटर यहाँ आके स्टोर हो गया, तो बाद में जो एनिमल्स और बर्ड्स उनको एज ए वाटर को पीने के लिए उसको यूज़ करते हैं। तो बांदीपुर टाइगर रिजर्व की बात करें तो इसमें 370 बिग एंड स्मॉल वाटर होल्स है जो कि अभी एट परसेंट 85% ऑफ वो वाटर से फुल हो चुके हैं। इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1973 में अंडर प्रोजेक्ट टाइगर, और 1985 में इसका जो एडजेसेंट एरिया था वेणु गोपाला वाइल्ड लाइफ पार्क उसको भी इंक्लूड कर दिया, और उसके बाद में इसको बोला गया बांदीपुर नेशनल पार्क। कहने का मतलब बांदीपुर टाइगर रिजर्व भी है और बांदीपुर नेशनल पार्क भी है। ये सिचुएटेड है टू कंटिजियस डिस्ट्रिक्ट, मैसूर डिस्ट्रिक्ट और चिमराजा नगर ऑफ कर्नाटका, एंड इज़ लोकेटेड एट द ट्राई जंक्शन एरिया ऑफ द स्टेट ऑफ कर्नाटका, तमिलनाडु और केरला के ट्राई जंक्शन पे ये सिचुएटेड है। और वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि ये नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है। इस सराउंडेड बाय, अभी मैंने आपको देखा था बताया था मुद्दुमलाई टाइगर रिजर्व साउथ में है, वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी साउथ वेस्ट में है, और काबिनी रिजर्वायर है उसको सेपरेट करता है बांदीपुर नेशनल पार्क को नागरहोले टाइगर रिजर्व से। बांदीपुर टाइगर रिजर्व अलॉन्ग विथ नागरहोले टाइगर रिजर्व, मुद्दुमलाई, सत्यमंगलम एंड वायनाड, इन चारों को मिला के ये जो टोटल जो ये फाइव एरियाज है, ये फाइव एरियाज सिंगल लार्जेस्ट वाइल्ड पॉपुलेशन ऑफ टाइगर इन द वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करते हैं। वर्ल्ड के अंदर इन पांच जो एरिया के अंदर जो टाइगर की पॉपुलेशन है वो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा है, और ये कंप्राइज करते हैं 21% ऑफ द टोटल फॉरेस्टेड एरिया ऑफ द वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट का जो 21% जो फॉरेस्ट एरिया है वो इस पांच पर्टिकुलर एरिया जो मैंने अभी आपको बताया, बांदीपुर, नागरहोल, मधुमलाई, सत्यमंगलम एंड वायनाड, ये 25% फॉरेस्टेड एरिया इस पर्टिकुलर ये रीजन कवर करता है। और ये रीजन 1/8 ऑफ द वर्ल्ड्स टाइगर पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है, और 1/4 ऑफ द इंडियाज टाइगर पॉपुलेशन को ये रिप्रेजेंट करता है। और ये जो पर्टिकुलर फाइव रीजन का जो लैंडस्केप है ये सिंगल लार्जेस्ट एशियन एलिफेंट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड को भी रिप्रेजेंट करता है, और ये पार्ट है मैसूर एलिफेंट रिजर्व। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आप ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से प्रीलिम्स 2020 के लिए। रिवर्स की बात करें जो काबिनी रिवर है वो नॉर्थ में फ्लो होती है, ये बांदीपुर टाइगर रिजर्व की बात हो रही है, और मुयार रिवर फ्लो होती है साउथ में, और नुगू रिवर इस पार्क से फ्लो होती है। और इस पार्क में जो हाईएस्ट जो पॉइंट है वो है लोकेटेड है हिमावद गोपाला स्वामी बेटा, ये जो हिल है वहाँ पे ये हाईएस्ट पॉइंट लोकेटेड है इस पार्क का। ये मैप आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में बहुत हेल्प करेगा। नेक्स्ट टॉपिक है फ्लेम थ्रोटेड बुलबुल। फ्लेम थ्रोटेड बुलबुल एग्जाम में न्यूज़ में इसलिए है बिकॉज जो 36 नेशनल गेम्स होने वाले हैं उसके मैस्कॉट का मतलब एक टाइप का सिंबल है जो उस पर्टिकुलर गेम को रिप्रेजेंट करेगा, उसके लिए इस बुलबुल को सेलेक्ट किया गया है। इसका दूसरा नाम भी है रूबी गुला, और ये गोवा की स्टेट बर्ड है, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ पे मिलती है, वेस्टर्न घाट्स इन इंडिया ओनली, मतलब ये वेस्टर्न घाट के इंडेमिक है और किसी लोकेशन पे नहीं मिलती, इंडिया के अंदर जो वेस्टर्न घाट वाला रीजन है उसमें ही मिलती है। IUCN के अकॉर्डिंग इसका लिस्ट कंसर्न स्टेटस है, और ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अकॉर्डिंग शेड्यूल 4 में ये मेंशन है।
वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 की बात करें तो जो शेड्यूल वन एंड पार्ट टू ऑफ शेड्यूल सेकेंड, इनको सबसे ज़्यादा प्रोटेक्शन मिला हुआ है। मीन्स इसके अंदर जो एनिमल्स जो मेंशन है, अगर उनकी हंटिंग होगी तो सबसे हाईएस्ट पेनल्टीज प्रोवाइड की जाएगी। शेड्यूल थ्री और शेड्यूल फोर भी प्रोटेक्टेड है, बट उसमें जो पेनल्टीज है उसके रेस्पेक्ट में कम होगी। शेड्यूल फाइव, ये इंपॉर्टेंट है, शेड्यूल फाइव के अंदर ऐसे एनिमल होते हैं जैसे जिनको हंटिंग की जा सकती है। जब किसी एनिमल को शेड्यूल फाइव के अंदर लिस्टिंग करते हैं तो उसकी हंटिंग की जा सकती है। तो उसको वर्मिन जब डिक्लेयर करते हैं, अभी जैसे फॉर एग्जांपल कॉमन क्रो, फ्रूट बैट्स, माइस, रैट्स, ये शेड्यूल फाइव के अंदर आते हैं। और जो शेड्यूल सिक्स है वो उसके अंदर मेंशन है एंडेमिक प्लांट्स के बारे में। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि शेड्यूल वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स डिफरेंट शेड्यूल्स के क्या क्या पेनल्टीज़ है और क्या क्या स्पेशल फीचर्स है। नेक्स्ट टॉपिक है संतुष्ट पोर्टल। सबसे पहले तो आपको याद रखना है ये पोर्टल किस मिनिस्ट्री का है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। और फिर दूसरा पॉइंट है इस पोर्टल का ऑब्जेक्टिव क्या है। बेसिकली जो लेबर लॉज है उसका ग्रास रूट लेवल पे किस टाइप का इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है उसको मॉनिटर करने के लिए इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है। ये पोर्टल क्या करेगा, ये प्रमोट करेगा ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, इफेक्टिव डिलीवरी ऑफ पब्लिक सर्विसेज एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज। ये किसकी स्कीम है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट एट द ग्रास रूट लेवल थ्रू कॉन्स्टेंट मॉनिटरिंग। बेसिकली आपको पता है कि जो अभी कोड ऑन वेजेस बिल भी लाया गया था जिसका बेसिक पर्पस था कि जो लेबर लॉज है उनको सिंप्लीफाई करना, बिकॉज डिफरेंट टाइप के इतने सारे लेबर लॉज थे कि उनको सिंप्लीफाई करने के लिए कोड ऑन वेजेस बिल लाया गया था। तो उसको भी इसके द्वारा मॉनिटर किया जाएगा कि ग्रास रूट लेवल पे उसका किस टाइप का इम्प्लीमेंटेशन आ रहा है। इसके अलावा इंडस्ट्रियल रिलेशन, सोशल सिक्योरिटी, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस, ये इन सारी चीज़ों को इसके अंदर मॉनिटर किया जाएगा। और ऐसा करने से क्या होगा कि जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस है उसमें रैंकिंग भी अपनी इंक्रीज़ होगी और जो जो वर्कर्स के जो इंटरेस्ट है उनको भी सेफ गार्ड करने में हेल्प मिलेगी। इसके अलावा जो पब्लिक ग्रीवेंसेज है, किसी पर्टिकुलर वर्कर को किसी टाइप की ग्रीवेंसेज है, तो उसके लिए तो पहले से ऑलरेडी एक पोर्टल चल ही रहा है, सेंट्रलाइज पब्लिक ग्रीवेंस रिड्रेसल एंड मॉनिटरी सिस्टम, CPGRAMS। तो ये वाला जो पोर्टल है जो अभी स्टार्ट किया है संतुष्ट पोर्टल, ये बेसिकली जो स्कीम है उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसा हो रहा है उसको मॉनिटर करने के लिए। पब्लिक को किसी टाइप की ग्रीवेंस है उसके रिड्रेसल के लिए तो CPGRAMS पोर्टल है। CPGRAMS पोर्टल की बात करें तो इसको ये ऑनलाइन वेब इनेबल्ड सिस्टम है जिसको डेवलप किया गया था नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT, इसके साथ में और थे डायरेक्टोरेट ऑफ पब्लिक ग्रीवेंसेज DPG एंड डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेज DARPG। इन सब के द्वारा इसको बिल्ड किया गया था। इसका एम क्या था, रिसीव, रिड्रेस एंड मॉनिटर द ग्रीवेंसेज ऑफ द पब्लिक। जो पब्लिक की ग्रीवेंसेज है उनको रिसीव करना है, रिड्रेस करना है, उनको मॉनिटर करना है। चलते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन पूछा गया प्रीलिम्स 2019 में, इन इंडिया द यूज़ ऑफ कार्बोफ्यूरिन, मिथाइल पैराथियन, फॉरेट एंड ट्राइजोफॉस इज व्यूड विथ एप्रीहेंशन, दिस केमिकल्स आर यूज्ड एज। ये बेसिकली ये सारे केमिकल्स क्या है, पेस्टिसाइड्स है जो एग्रीकल्चर में यूज़ करते हैं। अब ये क्वेश्चन प्रीलिम्स 2019 में क्यों पूछा गया, बेसिकली लास्ट ईयर एक फॉल आर्मी वॉर्म ये एक पेस्ट है, इस पेस्ट का अटैक देखा गया था अपने क्रॉप्स पे। तो जब इसका अटैक हो रहा था फॉल आर्मी वॉर्म पेस्ट का, तो जो इंसेक्टिसाइड बोर्ड ऑफ इंडिया जिसको हमने कल डिस्कस किया था, उन्होंने एक एडवाइजरी जारी की थी कि सर्टेन जो पेस्टिसाइड्स थे उनको स्प्रेड करने के लिए ताकि इसका जो इफेक्ट है उसको मिनिमाइज़ किया जा सके। उसी के अंदर ये कार्बोफ्यूरिन, मिथिल पैराथियन ये उसके अंदर मेंशन थे, इसलिए ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया। तो ये बेसिकली क्या है, पेस्टिसाइड्स इन एग्रीकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड, विच ऑफ द अबोव आर रिजन इन टू एटमोसफियर ड्यू टू द बर्निंग ऑफ द क्रॉप बायोमास रेजिड्यू। अब ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया, ये क्वेश्चन इसलिए पूछा गया बिकॉज आपका जो दिल्ली के अंदर जो पॉल्यूशन का जो रीज़न है, पॉल्यूशन विंटर के टाइम पे बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है, और उसका बहुत सारे रीज़न में से एक रीज़न ये भी दिया जाता है कि जो पंजाब और हरियाणा की वहाँ पे जो क्रॉप रेजिड्यू को जो बर्निंग किया जाता है उसके कारण वहाँ दिल्ली में बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो जाता है।
तो अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि बर्निंग ऑफ द क्रॉप बायोमास रेजिड्यू से कौन कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है, तो ये सारे की सारी गैस प्रोड्यूस होती है। इसमें प्रोड्यूस होती है सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ब्लैक कार्बन, ऑर्गेनिक कार्बन, मीथेन, वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, नॉन मीथेन, हाइड्रोकार्बन्स, ओजोन्स एंड एरोसोल्स। ये सारे के सारे इसमें इमिशन होता है जब आप बायोमास को बर्न करते हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा डी 1, 2, 3 एंड 4। देखो हर क्वेश्चन के पीछे कुछ ना कुछ रीज़न है। जो करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं किसी ने का न्यूज़ में होंगे, उस न्यूज़ से रिलेटेड करंट और स्टैटिक को मिक्स करके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। चलते हैं सीसेट क्वेश्चन की तरफ। इस सीसेट वाले क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन ने क्या बोला है कि 15 पीपल है टोटल, उसमें से 7 कैन रीड फ्रेंच, 7 को फ्रेंच आती है, 8 पीपल को इंग्लिश आती है, 3 लोगों को एक भी लैंग्वेज नहीं आती दोनों में से। तो वो बोल रहा है कि ऐसे कितने लोग हैं जो एटलीस्ट 1 लैंग्वेज को बोल सकते हैं। तो अब इस क्वेश्चन को करने से पहले सबसे पहले आप, मैंने एक यहाँ पे वेन डायग्राम बना दिया है, जो पहले आप पेंसिल से जो मार्क किया है उसको देखना। ये वाला वेन डायग्राम रिप्रेजेंट करता है फ्रेंच बोलने वाले लोगों को, जो कि कितने हैं अभी पेंसिल वाले मार्क को देखना है 7, इंग्लिश वाले कितने हैं 8 है, टोटल कितने बताया उसने, टोटल उसने बताया 15, उसमें से 3 एक भी लैंग्वेज नहीं बोलते तो उसको मैंने बाहर रख दिया 3। अब 3 एक भी लैंग्वेज नहीं बोल रहे तो 15 में से 3 तो चले गए तो बच गए 12। इसका मतलब 12 पीपल वो है जो एटलीस्ट एक लैंग्वेज तो आती है उनको। अब इसमें से 7 है, 12 होने चाहिए ऐसे लोग, लेकिन आप डायग्राम देखेंगे तो 7 इधर है और 8 इधर है, तो कितने हो रहे हैं 15। तो 15 नहीं हो सकते, 12 होने चाहिए। इसका मतलब 3 लोग कॉमन होंगे, मतलब 3 लोग ऐसे होंगे जिनको फ्रेंच भी आती होगी और इंग्लिश भी आती होगी। तो अब अगर 3 इधर आ गया, ये 7 है, तो यहाँ बाहर कितना आ जाएगा, 7-3, 4 आ जाएगा, इधर 8 है और 3 है, तो ये कितना हो जाएगा 5 है। तो इसमें 4 वो लोग हैं जिसको ओनली फ्रेंच आती है, वो सिर्फ इतने वाले रीजन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और 8 और 5 पीपल इतने हैं जिनको ओनली इंग्लिश आती है, और 3 पीपल ऐसे जिनको फ्रेंच और इंग्लिश दोनों आती है। क्वेश्चन ने क्या पूछा है, नंबर ऑफ पीपल एग्जैक्टली रीडिंग 1 लैंग्वेज, तो फ्रेंच वाले 4, इंग्लिश वाले 5, तो टोटल कितने हो गए जो जिनको एक ही लैंग्वेज आती है, वो कितने हो जाएंगे 9। अब इस क्वेश्चन को आप आंसर तो क्या हो जाएगा इसका, 9 बी आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन को आप सेट थ्योरी से फॉर्मूला लगा के भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको एडवाइस करूंगा जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बिना फॉर्मूले के हो सके वो आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेटर रहेगा, बिकॉज एग्जाम टाइम में वो पर्टिकुलर फॉर्मूला आपसे याद आए या नहीं आए इसके कोई गारंटी नहीं है। इसलिए कोशिश करनी है आपको कि बिना फॉर्मूले के इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।